कुरुक्षेत्र के मैदान में जब व्याकुल अर्जुन निश्चेत पड़े रहते हैं, तब चक्रधारी श्री कृष्ण उन्हें समझाते हुए कहते हैं, सर्वम पर वशम दुखम, सर्व आत्म वशम सुखम, एतत् विद्या सनासने लक्ष्मणम सुखो दुखो। और इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं शांभवी त्रिपाठी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की छात्रा, आप सभी को नमन करते हुए आज का विषय कि विश्व बाजार में आत्मनिर्भर भारत सफल या असफल पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। तो शुरुआत करते हैं। चाणक्य ने कहा था कि एक निराशावादी व्यक्ति हर एक अवसर में भी कठिनाई ढूंढ लेता है, वहीं दूसरी ओर एक आशावादी व्यक्ति हर एक कठिनाई को भी अवसर बना ही देता है। और आज यह अवसर मिला है हमारे अपने भारत को, अवसर इस विश्व बाजार में खुद को साबित करने का। परंतु बात यह है कि एक ऐसी योजना जो कुछ महीनों पूर्व ही आई हुई है, उसका आकलन इतना जल्दी कर देना सही है? शायद नहीं। इसीलिए जरूरी है कि हम अपने कल, आज और आने वाले भविष्य तीनों पर ही प्रकाश डालें। और अगर शुरुआत हम वर्तमान से करें तो ये कहना कहीं गलत नहीं होगा कि हाँ, आत्मनिर्भर भारत के नजरिए से हम सफल और असफल दोनों ही हैं। परंतु अगर शुरुआत हम सफलता से करें तो ये जानकर हम बहुत गर्वांगित महसूस करेंगे कि आज हम कृषि, तकनीक, सुरक्षा, अंतरिक्ष और न जाने कितने क्षेत्रों में अपना महती योगदान दे रहे हैं। और उदाहरण तो हम सबके सामने है ही। आज हम अफगानिस्तान जैसे देशों को गेहूं का निर्यात कर रहे हैं। आज लगभग 30 वर्षों बाद हम फिर से वियतनाम और चाइना को चावल का निर्यात कर रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, और भी विभिन्न क्षेत्रों में हम बहुत कुछ कर रहे हैं, जैसे कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी हम अपना परचम लहराने से कहीं पीछे नहीं हटे हैं। आज हम अमेरिका जैसे देशों को भी कड़ी टक्कर दे सकते हैं। और इतना ही नहीं, हमारे अंतरिक्ष के उपकरण तो इतने सस्ते हो चुके हैं कि न जाने कितने और देश आज हम पर निर्भर है। परंतु प्रश्न यह उठता है कि क्या यही मतलब है एक आत्मनिर्भर भारत का? क्या किसी देश को सामान निर्यात कर देना या फिर किसी देश से सामान का आयात रुकवा देना, क्या सिर्फ यही है आत्मनिर्भर भारत? तो मेरे हिसाब से इसका उत्तर ना होगा, क्योंकि मानो तो उसके एक देश उसके नागरिकों से मिलकर बना होता है। और जब तक एक देश के सारे नागरिक आत्मनिर्भर नहीं है, क्या आप कह सकते हैं कि वो देश आत्मनिर्भर है? कदापि नहीं। और ये चीज अगर हम भारत के अंदर देखें तो आज भी हमारे भारत में लोग बेरोजगार हैं, आज भी हमारे भारत की जनता कहीं ना कहीं भूखमरी से मर रही है, आज भी लोग अपने नौकरी के लिए कहीं ना कहीं बाहर जा रहे हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हमारा भारत आत्मनिर्भर है? परंतु ऐसा नहीं है कि हम शुरुआत से ही ऐसे थे। एक समय वो भी था जब 1835 में ब्रिटिश सरकार के एक आगंतुक ने अपने संसद में कहा था कि भारत एक ऐसा देश है जहां कोई बेरोजगार से मर नहीं सकता। परंतु ऐसा क्या हुआ कि एक ऐसी घड़ी आ गई कि जहां कहीं ना कहीं हमारे देश में किसी कोने में एक इंसान तिनके तिनके के लिए मर रहा है? खैर, हमारी सरकार इस पर काम कर रही है और हम मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगे करती भी रहेगी। और समय को देखते हुए मैं दो लाइनों के साथ अपने बात को विराम देती हूं कि उम्मीदें भरोसा क्यों करता है तू दूसरों से, उम्मीदें भरोसा क्यों करता है तू दूसरों से, क्या तुझे खुद के कंधों पर भरोसा नहीं? आप सभी को मेरा नमन।